मेरे ख्याल से सारे दिन बाद रो काटे थी गई बोले ना चला और दिन छिपड़े एक तरह डरती धरती हो गई धरती चौका रच जाता है जैसे किसी रोड़ी से मंगल किया गया हो ये शुद्धिकरण इस तरह का चारों तरफ मिश्राणी के त्याग का और व्रत का वो तेज दिखाई देने में जाता है। इधर वह मानती है कि कहीं सूर्य अस्त हो गया तो ये महात्मा भूखे चले जाएंगे और यदि महात्मा भूखे चले गए तो फिर हमारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा और कहीं मेरे प्राण ना छूट जाएं तो भी मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। इसलिए मिश्राणी ने अपने सिर के केस कस करके अपनी छाती से बांध लिए कि ज्यादा खून ना निकल पाए, यानी कुछ समय के लिए मेरा जीवन बचा रह जाए। जब तक संत के भोजन की तैयारी ना कर दूं, संत को ना जमा दूं, तब तक मेरा जीवन सुरक्षित रह जाए। अब इधर शरीर तो शरीर है, रक्त बढ़ने से शरीर भी ठंडा होता गया और इधर अग्नि भी ठंडी हो गई, मंद हो गई, क्यों कोई संभालने वाला तो था नहीं, ना मिश्राणी ने संभालनी है ना अग्नि ने संभालनी है। इधर वो ब्राह्मण खूब फिरा जंगल में पर अन्न का एक दाना नहीं था, कुटी पर साधु बैठा आया पाया, खाली पल्ले ब्राह्मण आया कहे रामेश्वर दयाल और दिन छिपड़े तो डरती धरती हो रही लाम। अब ब्राह्मण आते हैं इधर देखते हैं साधु बैठे हैं, महाराज प्रणाम आशीर्वचन देते हैं, हे ब्राह्मण धन्य हो तुम और तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा व्रत अटल रहे, मनोरथों की पूर्ति हो। महाराज मैं आपके भोजन की तैयारी, हाँ भोजन की तैयारी हो रही है, भोजन करके जाएंगे। अब ब्राह्मण कुटिया में प्रवेश करता है, देखता है क्या कि चारों तरफ धरती लाल थी, मिश्राणी एक मिट्टी की मूर्ति की तरह पृथ्वी पर लेटी हुई थी। ब्राह्मण ने देखा ये क्या हो गया, पर जरो जो कुछ हो गया सो हो गया। अब ब्राह्मण ने अग्नि को प्रज्वलित किया और जल्दी से जल्दी भोजन तैयार किया और पनवाड़ा लगा दिया, महाराज भोजन करो। साधु बड़े प्रेम से भोजन करते हैं और भोजन करके साधु जब प्रस्थान करने लगे तो कहते हैं कि हे ब्राह्मण तुम्हारे जैसा व्रती दंपत्ति मैंने भूमंडल पर देखा नहीं, आप बड़ी कठिन व्रति के आधार से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, इस तरह से जीवन निर्वाह करना हर गृहस्थी के बस की बात नहीं है, आइए तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से मैं बड़ा प्रसन्न हूं।
आओ मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दूंगा, तुम दोनों आशीर्वाद ले लो। अब साधु जी मां तो दिया, मन की जहाज भी डांट ली, पर अब ब्राह्मण के पैर पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो जाते हैं। अभी कुटिया में जाके बुला के कहा जाओ है? हैं? अब ब्राह्मण खड़े खड़े असमंजस में घिरे हुए कि अब मैं क्या करूं, साधु को पता पड़ेगा तो पता नहीं साधु क्या कुछ कर देंगे। महात्मा कहते हैं हे विप्र, जल्दी से आप अपने गृहिणी को लेकर के आइए, मैं सूर्यास्त होने से पहले पहले यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं, आप जल्दी से आइए, लाइए अपने जोड़े में अपनी अर्धांगिनी को। अब कुटिया में ब्राह्मण बढ़िया और ब्राह्मण ने कठोर हृदय करके और ब्राह्मणी से कहा क्या भाई सबके सामने वाले चले से
हरम काम की सही सुन लो बाबुले कहीं कहीं देखी से मन है ताली लेके तो नाड़ा का बंद अरे नाड़ा हल्का हो गया ना तो कहीं आती सूरी मराकर ऊपरली में हाथी भी डाल दी चाबियां को गुच्छा दे तो ऐसा मत किया करो कदे थंबी बहू थी सासू हो रही जो और कदे ये बहू से भी सासू हो जाएंगी तो समय का खेल है जो इस मूल को समझ लेगा वो जीवन को बहुत कुछ जीने के ढंग और जीवन के अंदाजे जीवन के आधार कुछ और ही हो जाते हैं। समय चले से समय से चलना ये मामूली बात नहीं समय ढले से समय में ढलना ये मामूली बात नहीं जो बालक ने यानी जवान ने ना दीजा पर मेरी दवाई ऐसी है कि चाहे आज आड़ा बच्चा पैदा हुआ है वो लेना अच्छे 100 साल का लेना मेरी दवाई असर करेगी और सबके लिए एक जैसा काम करेगी खास बात है और गारंटी की बात है नंबर एक में झूठ भरे जेब में रहे और गुस्ताखी गुस्ताखों में तिखड़ में माकूल धूल झोंके दुनिया की आंखों में झोंके दुनिया की और उसका शोर जोर का से ना अपना किसी पटाखों में है बाली जैसे बली हुए दुश्मन दा पड़िए काखों में बाली जैसे बली हुए दुश्मन दा पड़िए तारे लाखों में उसे टलना भाई किशोरी आवश्यक के बाद समझ में वो समय लाखों में टाल लेता है अब भी तेरा साथ करूँ या बात और फिर उससे टल के कोई निकल जा यही जो लाखों में से टाल ले और फिर उनसे कोई टल के चला जा तो रामचंद्र रामचंद्र से और कोई नहीं आज सुबह भी बैठे हो तो क्या मन है
क्यों ठीक बात है ना। काले लाखों में टलना ये मामूली बात नहीं, समय है समय में जाना ये मामूली बात नहीं। मन चाहे रहा रूल बना, ये होगा तो ये कर लूंगा, मन चाहे रहा रूल बना। और अगली तैयारी राखी जारी, अगली तैयारी करती जारी, पिछली सारी भूल बना। कहा भी है बीती ताही पिसार दे आगे की सुध ले, विद्वानों ने कहा है ना। वो नियम भी अपना देते हैं पर क्या होता है। अरे आगे होगा तो ये कर लूंगा, मन चाहे रहा रूल बना। अगली तैयारी करती जारी, पिछली सारी भूल बना। फूल बना ले तेरे हाथ में है, तू स्वतंत्र है बनाने में, बना ले पर उस फूल के फल लगे ये तेरे हाथ में नहीं है। उस फूल के फल लग जाए ये तेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। अरे फूल बना उस फूल का फलना ये मामूली बात नहीं, समय है समय भरना ये मामूली बात नहीं। We'll be right back.
सफल थे सब। कोई अपवाद हो तो कहा नहीं जा सकता, नहीं तो ठोकर लगने के बाद ही संभलते हैं सब, ठोकर लगने के बाद ही संभलते हैं सब। क्यों भाई किशोरी, सही है ना? ओ कोई अपवाद शायद ठोकर के बाद संभलते सब। दूर चली जा शांत बात, रह जा सया हाथ मसलते सब। बात और शांत यानी समय यानी मौका और बात बहुत दूर चले जाते हैं, फिर आपड़ा माना जाओ वो मिलती नहीं है, वो पकड़ी नहीं जाती है, फिर तो केवल हाथ मसलना ही बाकी रहता है। आ दूर चली जा शांत बात, रह जा सया हाथ मसलते सब। है सबकी सहमति समय से, गति मिला के चलते सब। मोहल्ला जी आप भी कवि है, ध्यान करना मेरी तरफ का भी, मेरी तरफ गौर रखना, आपका सहयोग हूँ, कोई गलती संती हो तो बता भी देना। है सबकी सहमति समय से, गति मिला के चलते सब। सबका विचार रहता है कि समय के साथ चले भाई, है ना, पर ये सब के वश की बात नहीं ना। एक क्या कह रही है, ये मामूली बात है सबकी। कविता उसी को कहते हैं, यानी रीडिंग वही अच्छी लगेगी जो नीम से लेकर के ऊपर तक जो कि जो बनी हुई हो, यथार्थ रूप में बनी हुई हो, वो ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है और वास्तु में परिपूर्ण मानी जाती है। आ है सबकी सहमति समय से, गति मिला के चलते सब। बदले को ना ख्याल ढाल बसलते चाल बदलते सब। आ चलते सब दीपक हो जलना, चलते सब है कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई किसी से, कोई किसी से, ऐसा कोई नहीं है जो जलता ना हो, क्या चलते सब है पर जलने जलने में अंतर है। आ चलते सब दीपक हो जलना, ये मामूली बात नहीं। समय ढले से समय मिलना, ये मामूली बात नहीं। We'll be right back.
संसार जीवन का हमें विचार संसार जीवन का ये सत सनातन बात देख सार जीवन का ये सत सनातन बात देख गया भूल जटायु जर जर आयु दस कल दर का घात देख जब तक राम और रामायण रहेगी तब तक जटायु को कोई भुला नहीं सकता क्यों राम का नाम रहेगा और रामायण रहेगी तो जटायु भी उसमें साथ रहेगा क्यों जटायु ने समय को विचारा और समय विचार ही जीवन का सार है ना तो ईशा पक्षियां ने भाई इतने पवित्र ग्रंथों में और कहां जगह मिलती पर वो जगह बनाने के लिए उच्च श्रेणी में अपना कर्जा पाने के लिए उन्होंने कुछ करके दिखाया है जैसे अभी कुछ एक उदाहरण है अभी पीछे चुनाव से पहले अपने वित्त मंत्री ने जेटली जी ने पहले ही छोड़ दिया अपना कार्यभार ये भाई स्वास्थ्य काम नहीं दे रहा सुषमा जी देखिए उदाहरण है ये सुषमा जी ने पहले ही संन्यास ले लिया ये उदाहरण होते ऐसे गया भूल जटायु जर जर आयु दस कंदर का दांत देख और क्या प्रस्थान जान से विषम आई मगर सकरात देख है गुरु रामेश्वर तरवर पर ओ परमानंद नव पात देख गुरु रामेश्वर तरवर पर ओ परमानंद नव पात देख आजाद देख ओ कात बदलला आलात देख ओ कात बदलला ये मामूली कात कंद भगवान क्यों भाई किशोरीलाल